अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अली कैसर और मेरी आज की वीडियो जो है वो इंतहाई शॉर्ट से टॉपिक पर है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जो व्यूअर्स कुछ समझाना ज़रूरी है क्योंकि वो मुझे कॉल्स कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि इजीली मैं ऑन द स्क्रीन उनको समझा सकूँ ये चीज़। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों का टैक्स जो है वो पेएबल बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर रिटर्न जो है वो ऑलरेडी हम प्रिपेयर कर चुके हैं, हमारे एक क्लाइंट हैं जिनका टैक्स जो है वो पेएबल बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर मसला ये आता है लोगों को कि जब उनका एडमिटेड इनकम टैक्स बन जाए, यानी कि ये टैक्स जो है वो अब इन्होंने पे करना है, तब वो इसको पे करने के बाद इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में लिंक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने जब आपका एडमिटेड इनकम टैक्स बन जाए तो आपने उसका चलान बनाना होता है। ठीक है, चलान बनाने के बाद आप उसकी पेमेंट करते हैं। चलान बनाने का तरीका मेरी वीडियो मैंने उस पर बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उस वीडियो को देख के अपना एडमिटेड इनकम टैक्स चलान जो है वो 2022 का आप बना सकते हैं। ठीक है, बनाने के बाद वो आप किसी भी कन्वेंशनल बैंक में जाकर उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एडीसी मोड का वो चलान होगा। एडीसी मोड का मतलब क्या, पेमेंट का मोड आपका कौन सा है, किस मोड के थ्रू आप पेमेंट करेंगे, चेक के थ्रू, कैश के थ्रू। जब एडीसी मोड होता है तो आप कैश भी जमा करवा सकते हैं, चेक भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए। तो कन्वेंशनल बैंक में जाके आप कैश जमा करवा के सिंपली जो है अपना चलान जमा करवा सकते हैं। चलान जमा करवाने के बाद जब आपका सीपीआर जनरेट हो जाएगा, एफबीआर की तरफ से आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी, तब क्या होगा कि आपने यहाँ पर पेमेंट सेक्शन पर आना है। पेमेंट सेक्शन पर आने के बाद आपने प्लस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें कि ये पेमेंट जो है वो हो चुकी है, जो चलान आपने बनाया था उसकी जब पेमेंट आप कर देंगे तो उसकी पेमेंट का सीपीआर जो है, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट जो है वो आपकी यहाँ पर आ रही होगी। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने वापस डाटा पर आना है। डाटा पर आने के बाद आप वापस ईसी कंप्यूटेशन पर ही आएंगे। अभी देखें कि यहाँ पर ये थर्ड कॉलम में अमाउंट है। ठीक है, जब आप चलान लोड कर लेंगे फिर आपने कैलकुलेट जो है वो वापस डाटा पर आकर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे, अब देखें वो अमाउंट यहाँ से हटकर यहाँ पर आ गई, मतलब अब आपकी ये जो पेमेंट थी, ये जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो आपने पे कर दी है। अब पेएबल आपका जो है वो ज़ीरो हो गया है। अब यहाँ पर आकर जब आप अपनी चलान की पेमेंट कर देंगे तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये वैसे तो छोटा सा टॉपिक था, टेक्निकल टॉपिक था, इसमें कोई नॉलेज वाली कोई बात नहीं थी, टैक्स रिलेटेड इसमें नॉलेज कोई नहीं था, क्योंकि बार बार मुझे व्यूअर्स कॉल कर रहे थे, कॉल करके पूछते थे, तो मैंने कहा वीडियो बना दूं ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए, और बाकी लोगों का जिसका भी मसला आए तो मैं उसको लिंक शेयर कर दूं और वो लिंक देखकर वीडियो जो है वो अपना इजीली रिटर्न फाइल कर सके। तो लोड करने के बाद आपने वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है, और उसी तरह आप अपना पिन वेरीफाई करके और इसको सबमिट प्रेस कर देंगे। देखिए, ये अब रिटर्न जो है वो आपकी सबमिट हो चुकी है। इस तरह आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो चलान पेमेंट कैसे लिंक करेंगे, लिंक करने के बाद कैसे सबमिट होगी, वो ये सारा तरीका आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को फॉलो ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है भाई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।